बेलीपार थाना क्षेत्र के मलाव चंदा घाट के समीप शनिवार की सुबह एक 50 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसके सिर पर चोट तथा मुंह से खून निकला हुआ था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शरीर पर आसमानी नीला जींस पैंट व फिरोजी कलर टी शर्ट स्वेटर पहना हुआ था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची बेलीपार पुलिस ने घटनास्थल पर उपस्थित लोगों से मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी। घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर बंधे के नीचे एक जोड़ी हवाई चप्पल मिली है। मृतक का जींस पैंट सुतली के सहारे से कमर से बांधा था, जिस आधार पर पुलिस को आशंका है कि मृत व्यक्ति पागल हो सकता है, जिसकी बीती रात खराब मौसम में गिरने से या ठंड लगने से मौत हो गई। जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले उस व्यक्ति को वहां नहीं देखा गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय ग्रामीण और SSP साउथ विपिन कुमार श्रीवास्तव ने कहा, आपके पास अगर माल रहेगा तो आज बस है कि नहीं, बस है गोरखपुर डायरेक्ट बढ़ानी है। ददन पांडे भाई, सुबह हम यहाँ आए हैं तो लाश पड़ी थी, उसके बाद यहाँ 10-20 लोग थे, वो लोग अपना ये कह रहे थे कि ये पागल आदमी है, गांव में नंगा घूम रहा था, कोई आदमी इसको कपड़ा दे दिया है पाना है, फिर रात में बरसात हुई है, भीगा है, मर गया, यही हुआ है। पुलिस को सूचना दी गई थी? हाँ, कोई पुलिस को सूचना दिया होगा तभी तो पुलिस आई है। मेरा नाम शिवटैन है, ग्राम पोस्ट मलाव से हम बोल रहे हैं। यहाँ सुबह में लोग लैट्रिन के लिए आए तो देखें कि एक बाड़ी पड़ा है, तो हल्ला किए, गांव के लोग आए देखें कि पुलिस को सूचना गया, गांव वाले इकट्ठा हुए, पुलिस आया, पंचनामा हुई, बाड़ी ले गए। आज बेलीपार थाना क्षेत्र में मलाव के पास चंदा घाट है, वहाँ पे एक अधेड़ उम्र की है, मतलब करीब 50 साल के से ऊपर का ही एक व्यक्ति है, उसकी डेड बॉडी मिली है। जैसा कि थाना अध्यक्ष वहाँ पर गए थे और उन्होंने पता किया, गांव वाले ही बता रहे थे, कल ये विक्षिप्त अवस्था में ये आदमी नग्न अवस्था में घूम रहा था, जिसे कुछ लोगों ने कपड़ा उपड़ा दिया तो वो पहना था, पहन के फिर रात में बारिश वगैरह हुई है तो उससे वो कहीं गिरा है या उसे चोट लगी है और चोट के कारण उसे मृत्यु हुई है। इसका पंचायतनामा भरा गया है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई है।